नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरे जो सॉफ्टवेयर है, ये एमीबकर एंड मेटा ट्रेडर दोनों का ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना रिटर्न आपको नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को पूरा देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, आज को मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ CSE का चार्ट का ऊपर बेस करके। 24 अप्रैल का एक चार्ट है, तो जस्ट मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कैसे सॉफ्टवेयर को आपको फॉलो करना है और इसका यूजेस क्या है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जो सॉफ्टवेयर होता क्या है। बेसिकली सॉफ्टवेयर हम लोग एडुकेशनल पर्पस यूज़ करते हैं, जो हम लोग को मार्केट का बिहेवियर समझने के लिए हेल्प करता है। सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसा नहीं है जो आप कुछ ऐसा चीज़ ले लिए जिसका दौरान आपको कभी लॉस नहीं होगा, कंटिन्यूसली आपको डेली प्रॉफिट आता रहेगा। सॉफ्टवेयर जस्ट एक गाइडलाइन होता है जो आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। जैसा अभी मैं एक चार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो एक टेक्निक को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, शायद ये आपके लिए बेनिफिट होगा। नॉट ओनली फॉर CSE, कोई भी स्क्रिप्ट के लिए, चाहे वो निफ्टी हो या कॉमोडिटी में क्रूड ऑयल हो या टाटा स्टील हो, सबके लिए सेम थ्योरी काम करेगा। सॉफ्टवेयर का बेसिक काम होता है सिग्नल देना, उसके साथ टारगेट देना, स्टॉप लॉस देना, ईच एंड एवरीथिंग। अब जो मेन चीज़ होता है वो है प्रेडिक्शन। कॉल तो बहुत सारा बनता है, इसका मतलब ये नहीं जो हर एक कॉल ही अचीव होता है। हम लोग देखते हैं कुछ कॉल अचीव होता है, बहुत सारा ऐसा कॉल होता है जो अचीव नहीं होता है। तो कैसे हम लोग कॉल को आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो देखिए, 24 तारीख को एकदम बिगिनिंग से समझाता हूँ, ये शायद यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था। सेकेंड कैंडल में आपको ये जो रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, ये हम लोग का सिग्नल है। तो जब भी कोई सिग्नल बनता है, ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आ जाता है साउंड के साथ, और उसी टाइम आपको उसका टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ लिख के आएगा। जैसे देखिए, ये जो सेल का कॉल बना था, इसका राइट साइड में इसका वैल्यू लिख के आ रहा है, 6005 में सेल किया है। ऊपर में नीचे में T1, T2, T3 बोल के टारगेट दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये जो टारगेट स्टॉप लॉस है, सब कुछ हम लोग का एक सोच होता है। मार्केट में टारगेट एंड स्टॉप लॉस बोल के कोई कंसेप्ट नहीं है। तो आप अपना टारगेट का जो रेशियो है वो 1% के हिसाब से रख सकते हैं। जैसा ये ₹600 का कोई स्क्रिप्ट है, तो 5 से 6 रुपया का इसका टारगेट रखिएगा, दैट से ना। तो एंट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सुबह को जो सेल का कॉल बना था, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, ये जो सेल का कॉल बना था, क्या ये सेल का कॉल सही था, मुझे पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए हम लोग दो तीन चीज़ को देखेंगे। एक होता है सेल का कॉल का टाइम। सबसे फर्स्ट जो कंडीशन हम लोग को देखना पड़ता है, नीचे का रिबन का कलर, इसका कलर क्या है, रेड है या नहीं। तो मुझे दिखाई दे रहा है सेल का कॉल में नीचे का रिबन का कलर रेड है, मतलब मेरा फर्स्ट कंडीशन मैच। सेकेंड कंडीशन, सेल का कॉल का पहले देखना पड़ेगा कहीं पर भी स्टार बना है कि नहीं। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक छोटा सा रेड कलर का स्टार है, मतलब मेरा सेकेंड कंडीशन भी मैच है। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है नीचे का ये लाइन इंडिकेटर। यहाँ पर आपको एक मूविंग एवरेज जैसा सिंपल लाइन दिखाई देगा, जिसका कलर एक बार रेड हो रहा है, एक बार ग्रीन हो रहा है, देखिए फिर रेड हो रहा है। मगर इसका जो मेन फंक्शन है वो है मिडिल का ये वाइड लाइन, जिसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। तो जहाँ से देखिए ये वाइड लाइन को ब्रेक करके लाइन नीचे गिरने लगा, मतलब वहीं से आप सेलिंग जोन में घुस जा रहे हैं। मतलब जिस टाइम सेल का कॉल बना था, मुझे देखना है ये लाइन का मूवमेंट, ये न्यूट्रल लाइन का नीचे है या नहीं। अगर है, मतलब ये कंडीशन भी मेरे लिए बहुत ही सही है जो मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो ये तीन बेसिक चीज़ आपको पहले देखना पड़ेगा। तो जब भी कोई सेल का कॉल बनेगा, मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्टार देखना है, नीचे का रिबन का कलर देखना है, और ये लाइन को न्यूट्रल लाइन, मतलब ये वाइड लाइन का नीचे बनना था। तो तीनों का तीनों कंडीशन मैच है, मतलब कॉल मेरे लिए सही है, मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। मगर ट्रेड करूँगा कब, ऐसा नहीं जो कंडीशन मैच हो गया मैं तुरंत ऑर्डर लगा लिया। ऑर्डर लगाने का पहले हम लोग को जो भी सोचना है या जो भी इसके ऊपर थिंकिंग करना है, ऑर्डर लगाने का पहले करना है, क्योंकि एक बार ऑर्डर पुट हो जाएगा तो उसका बाद हम लोग का हाथ में कोई बचता नहीं है। तो जब भी देखिए, हम लोग का सॉफ्टवेयर में कॉल बनता है, कंडीशन तो आप मैच कर लिए, अब ट्रेड कब डालना है। हर एक सिग्नल का पहले हम लोग का एक कैंडल बनता है, जिसका कलर थोड़ा सा दूसरा किस्म का है। देखिए, एक कैंडल है जिसका कलर थोड़ा ब्लू किस्म का है। हर एक सिग्नल का पहले, चाहे वो सेल हो या बाय हो, हर एक सिग्नल का पहले आपको एक ब्लू कलर का कैंडल दिखाई देगा। तो ये कैंडल है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये ब्लू कैंडल जो है वो ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल है, और ट्रेंड रिवर्सल का थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होगा ब्रेकआउट के लिए। तो मैं सिंपल एक ही चीज़ बताने जा रहा हूँ, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बोलूँगा। जब भी कोई सेल का कॉल बनेगा, पहला आपका काम था तीन कंडीशन को मैच करना, जो मैच था। अब फाइनली मुझे ऑर्डर तभी डालना है जो ये ब्लू कलर का कैंडल है, इसका जो लो होगा। देखिए, इस कैंडल का लो का नीचे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो दैट इज़ द पैरामीटर, मतलब ये इसका ब्रेकआउट है। जब तक
इस सिग्नल या ये कोई भी कैंडल ये लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक मुझे ऑर्डर नहीं डालना है। मतलब कंडीशन तो सही है मगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ इसीलिए ये ऑर्डर मैं नहीं डाल पाऊंगा। तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट भी दिखाई दिया, मार्केट रिवर्सल के ऊपर चला गया। फिर एक बाय का कॉल दिया था यहाँ पर, ये कॉल बना था लगभग 1 बजे। यहाँ पर भी देखिए सारा कंडीशन मैच था मगर इसमें भी सेम रूल अप्लाई हुआ, तो ब्लू कैंडल का जो हाई है ये इसको तोड़ा नहीं। देखिए इसको तोड़ा नहीं तो ये कैंडल ब्रेकआउट का थ्योरी नहीं हुआ, तो ये अल्टीमेट यहाँ से फिर रिवर्स होने लगा। फिर देखिए लास्ट यहाँ पर एक सेल का कॉल बना था 2:10 पे, तो यहाँ पर भी देखिए स्टार था, नीचे का रिबाउंड था, ये लाइन भी न्यूट्रल को ब्रेक कर रहा था लगभग। और इस टाइम भी मुझे दिखाई दे रहा था यहाँ पर देखिए जो पहला वाला ब्लू कैंडल है छोटा है उसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था। तो दैट इज़ द पॉइंट, मतलब ये जो कॉल है लास्ट ये जो कॉल ये आपका ट्रेड करने के लायक है। तो इसमें जस्ट एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, ट्रेडिंग का एक्चुअली मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी हर वक्त नहीं रहता, उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। जैसा CSE का चार्ट में सुबह से लेके मुझे कोई अच्छा कॉल नहीं मिल रहा था, दोपहर 2 बजे के बाद एक कॉल मिला जो मुझे अच्छा प्रॉफिट दे के निकला। तो दिन का एक कॉल ही आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है मगर उसके लिए आपको पेशेंट रखना है, वेट करना है। ऐसा नहीं जो 10 बज गया 12 बज गया अभी तक कॉल नहीं मिल रहा। तो इसके लिए ये तो नॉर्मली मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ, अगर आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे तो सिर्फ एक चार्ट के ऊपर नहीं, इसीलिए मैं 5-6 स्क्रिप्ट को चूज़ करके रखने के लिए बोलता हूँ ताकि कहीं ना कहीं पर आपको कोई ना कोई कॉल मिल जाए, आपको इतना वेट ना करना पड़े। तो लॉजिक यही है, अगर आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लॉजिक को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लॉजिकली सही मार्केट को फॉलो करेंगे देन यू गेट योर रिजल्ट। तो इतना ही बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो अभी भी मेरा देख रहे हैं और आपको अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको और भी बहुत सारा वीडियोज़ देखना है तो वीडियो के नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके आपको मेरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।